Hello dear, welcome to all of you once again. Today we are going to discuss about interchange of the degree of comparison. Already हम सब ने degree के बारे में पढ़ा, degree के definition के बारे में पढ़ा, degree के kinds कितने हैं उनके बारे में देखा. आज हम उसके कुछ examples आपको दे रहे हैं जिसमें कि बताया जा रहा है किसका इंटरचेंजिंग कैसे किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो. चलते हैं, एक एक पॉइंट को डिक्टेट करते हैं कैसे इनमें बदलाव किया गया. इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ओके, इन फर्स्ट पॉइंट यहां पे आप ध्यान दीजिए, जैसे कि पहले पॉइंट में क्या लिखा गया है, पॉजिटिव, नेक्स्ट कॉम्परेटिव एंड नेक्स्ट पॉजिटिव सुपरलेटिव. ऑलरेडी आपको एक चीज मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि डिग्री तीन रूपों में है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव. जैसे उत्तम, उच्चतम, ठीक, और उसके एक लेवल ऊपर, और उसके एक लेवल ऊपर में क्या आता है, उच्चतम. ठीक, अब यहां पे हम उन तीनों कैटेगरीज के बारे में अध्ययन करेंगे. जैसे कि एग्जांपल में पहला पॉइंट है पॉजिटिव. पॉजिटिव का निर्माण कैसे होता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया. अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो एज इज, और यदि आपका वाक्य नेगेटिव है तो शो एज या सच एज का प्रयोग किया जाता है. ओके, अब यहां एग्जाम्पल नंबर वन में देखिए, A lion does not run. एक शेर है जो नहीं दौड़ सकता. So fast as a deer. उतना तेज जितना कि हिरन. अर्थात comparative degree बनाने के लिए, superlative degree बनाने के लिए और positive degree बनाने के लिए two persons या two से plus person का होना जरूरी है, तभी जाकर के वो comparison किया जा सकता है. अब यहां पे क्या लेना है कि लायन को कंपेयर किया जा रहा है डियर से, हिरन से. अब यहां पे आपको ये फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले उसके ट्रांसलेशन में कि किसकी तुलना किससे की जा रही है. जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, ए लायन डज नॉट रन, शेर नहीं दौड़ सकता सो फास्ट, उतनी तेज एज ए डियर, जैसे कि हिरन. अर्थात शेर की तुलना हिरन से की जा रही है, तो कौन फास्ट दौड़ने वाला है, हिरन. ओके, तो यहां क्या प्रयोग किया गया, एज का प्रयोग. क्यों, क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट जो आपका दिया गया है, शो एज का प्रयोग किया गया क्योंकि ये नकारात्मक है. अब इसका कॉम्परेटिव डिग्री में क्या हम क्या करेंगे, एक चीज ध्यान देना, जो आपका पहला सब्जेक्ट है यानी जिसकी कंपैरिजन की जा रही है वो बाद में जाएगा और जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो पहले आ जाएगा. इज दैट क्लियर. ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका जो भी वाक्य बना हुआ है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे कंपरेटिव हो, चाहे सुपरलेटिव, तो स्पेशली केवल पॉजिटिव और कंपरेटिव की बात बताई जा रही है कि पॉजिटिव से जब कंपरेटिव बनाने लगो तो उधर लास्ट वाले नाउन को फर्स्ट में लाओ और फर्स्ट वाले नाउन को लास्ट में लेके जाओ, और अगर कंपरेटिव में आया है और पॉजिटिव बनाना है तो एज यूजल सेम वे. पहली बात. दूसरी बात, यहां पे ध्यान देना है कि अगर वह वाक्य निगेटिव है तो उसका कंपरेटिव पॉजिटिव बनेगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसका वाक्य कंपरेटिव में निगेटिव का सेंस लेगा. इज दैट क्लियर. ये भी बात ध्यान दीजिएगा. अब जैसे कि इस पॉइंट में क्या कह रहा है, अ डियर रन्स, एक हिरन दौड़ता है फास्टर देन ए लायन, शेर से ज्यादा तेज. इज दैट क्लियर. अब यहां पर क्या आया, फास्टर, फास्ट में क्या जुड़ा, ईआर प्लस देन. इज दैट क्लियर. यहां पे ये कंपरेटिव डिग्री आपका तैयार हो गया. जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म में ईआर ऐड कर देते हैं प्लस देन का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट पॉजिटिव का फिर से एग्जांपल, नो अदर एनिमल इज सो हैवी, कोई भी जानवर उतना भारी नहीं है एज एन एलिफेंट, जैसा कि हाथी, यानी हाथी जैसा कोई जानवर भारी नहीं है. तो यहां पे क्या है, हमें सुपरलेटिव बनाना है.
अब यहां पे ये ध्यान देना है कि हमें उसको उच्चतम प्लेस पे लेके जाना है, तो उच्चतम प्लेस पे ले जाने के लिए किसी दूसरे नाउन की जरूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्टली सर्वोपरि बना देते हैं। जैसे एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, क्या आया द हैवीएस्ट। अब यहां पे क्या है, सो और एज का प्रयोग किया गया है पॉजिटिव में, ठीक। अब उसी ध्यान दीजिए, उसी बात को यहां पे नेक्स्ट में क्या किया जा रहा है, किसी अन्य जानवर को अर्थात नो अदर का प्रयोग ना करके हम डायरेक्ट एलिफेंट को ही अपर बना लेते हैं। तो द क्या हुआ, एन एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल, यानी हाथी सबसे भारी जानवर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कंपरेटिव है, उसको हमें सुपरलेटिव बनाना है। क्या है, कंपरेटिव में आया है, सुपरलेटिव बनाना है। क्या कह रहा है, मोहम्मद रफी वॉज बेटर देन एनी अदर सिंगर ऑफ इंडिया, यानी भारत के अन्य कवियों में यानी गायकों में मोहम्मद रफी क्या है, सबसे अच्छे है। इज दैट क्लियर, सबसे अच्छे सिंगर है। ठीक वही बात यहां पे क्या करना है, सुपरलेटिव, अर्थात मोहम्मद रफी के जैसा कोई गायक ही नहीं है, ऐसा बना दो। तो क्या, मोहम्मद रफी वॉज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, यानी मोहम्मद रफी सबसे अच्छे गायक है कहां के, इंडिया के। इज दैट क्लियर, तो हमने यहां पे क्या प्रयोग किया, बेटर प्लस देन और यहां पे द प्लस बेस्ट। अब बेस्ट में यहां पे ध्यान दीजिए कि आपको बताया गया था गुड बेटर बेस्ट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है पॉजिटिव कंपरेटिव सुपरलेटिव। अब इस एग्जांपल में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि एक सेंटेंस लेते हैं जिसका कि हम तीनों में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव में भी, कंपरेटिव में भी और सुपरलेटिव में भी। ध्यान देना, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग एज द ताज, मैंने ताज जैसी बिल्डिंग कभी नहीं, ताज जैसी सुंदर बिल्डिंग कभी नहीं देखी, ठीक। अब यहां पे देखिए कि कंपरेटिव में है कि द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन, अर्थात अब तक की जितनी बिल्डिंगें मैंने देखा है उन सभी बिल्डिंगों में ताज सबसे अच्छी बिल्डिंग है, सुंदर है। इज दैट क्लियर। अब सुपरलेटिव में कि ताजमहल सबसे सुंदर बिल्डिंग है अब तक की जितने बिल्डिंग मैंने देखा। ध्यान दीजिए, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव सीन। अब यहां पे एज यूजुअल वही चीज, सो ब्यूटीफुल एज ताज और दूसरे में मोर। अब एक चीज याद रखना कि एक बार आपको एग्जांपल में बताया गया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स जो जिसमें कि कोई बदलाव नहीं होता है बट कि उनके उसके साथ हम मच मोर मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा, मोर का प्रयोग कंपरेटिव में और मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव में, और मोस्ट से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इज दैट क्लियर। कहने का मतलब यहां पे ये पॉइंट आपको बताया गया। इन द सेम वे उसी तरह से पॉजिटिव कंपरेटिव सुपरलेटिव, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वेयर एज ग्रेट एज अशोक। अब यहां पे भी वही एज का प्रयोग, और फिर जब इसका पॉजिटिव से कंपरेटिव बनाया गया तो अशोक को देखो यहां से उठा करके यहां पे ला करके रखा गया, ठीक, स्टार्टिंग में दोनों में। इज दैट क्लियर। अब यहां पे वेरी फ्यू जो है वो यहां पे क्या दिया जा रहा है, वन ऑफ का प्रयोग किया गया है इसमें, और मोस्ट ऑफ द अदर किंग्स ऑफ इंडिया वेर नॉट सो ग्रेट एज अशोका, यानी ये पॉजिटिव के दो रूपों में बताए गए हैं, और यहां पे कंपरेटिव है और ये सुपरलेटिव है, ठीक। अब यहां पे क्या बताया गया है, जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और इसमें कंपरेटिव में क्या है, वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, यानी वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में बदला गया है। इज दैट क्लियर। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव से कंपरेटिव और कंपरेटिव के बाद सुपरलेटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है। आपको एक सिंपल पॉइंट में आपको मैं बता दूं कि पॉजिटिव में दो व्यक्ति होते हैं जिनकी की हमें कंपेयर करना होता है, कंपरेटिव में भी दो लोग होते हैं जिनका की हमें कंपेयर करना होता है, सुपरलेटिव में वो होता है कि कंपेरिजन को हम ना शो करके डायरेक्ट हम उसको अपर लेवल पे शो करते हैं। पॉजिटिव को बनाने के लिए सो एज,
पॉजिटिव में सच एज, किसमें, या दूसरा पॉइंट उसमें दिया गया है निगेटिव में सो एज, और पॉजिटिव में एज एज सच एज का प्रयोग किया जाता है, और कंपरेटिव में एडजेक्टिव के दूसरे फॉर्म में ईआर प्लस देन का प्रयोग किया जाता है, और सुपरलेटिव में एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म जिसमें ईएसटी लगा के बनता है और उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा।